देखिए, इस बीच एक अहम सवाल ये भी कि क्या पुतिन की सेना यूक्रेन के खिलाफ परमाणु हमले की पूरी तैयारी कर चुकी है? क्या अब यूक्रेन के शहरों में अब वही होने वाला है जो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिका जासूसों ने इस बात का ये दावा किया है कि रूस की सेना के अधिकारी परमाणु हमले की पूरी टाइमलाइन तैयार कर रहे हैं, और इस खबर के सामने आते ही दुनिया में एक बार फिर से हड़कंप मच गया है। यूक्रेन के खिलाफ पुतिन की बड़ी तैयारी। तैयार हो चुका है पुतिन का न्यूक्लियर मैप। यूक्रेन में हिरोशिमा नागासाकी वाली साजिश, रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में दुनिया तबाही की खौफनाक तस्वीरों को देख रही है। दुनिया देख रही है कि कैसे पुतिन की सेना यूक्रेन को खंड खंड करने को तैयार, लेकिन यूक्रेन की डिफेंस लाइन ने पुतिन की सेना के खिलाफ अब तक कैसे युद्ध लड़ा है, इसे भी दुनिया ने देख लिया है। यही वजह है कि पुतिन की झल्लाहट सातवें आसमान तक पहुँच चुकी है। वो यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए हर उस दांव का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके बूते ज़ेलेंस्की की सेना को घुटनों के बल लाया जा सके, और अब ये सब कुछ करने के लिए पुतिन की सेना के जनरल एक खौफनाक तैयारी में जुटे हुए। ये तैयारी ऐसी है जो सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकती है, क्योंकि इस बार अमेरिका के जासूसों के हवाले से बेहद डराने वाली खबर आई है। इस खबर के मुताबिक पुतिन की सेना के जनरल यूक्रेन के खिलाफ परमाणु हमले की पूरी प्लानिंग में जुटे हैं। पुतिन की सेना के जनरल ये तय कर रहे हैं कि उन्हें यूक्रेन में किस जगह पर परमाणु हमला करना है। वो ये भी तय कर रहे हैं कि किस तारीख को और कितने बजे यूक्रेन के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करना है, यानी यूक्रेन के खिलाफ रूसी सेना न्यूक्लियर टाइमलाइन तैयार कर रही है। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अधिकारी जॉन एफ किर्बी के मुताबिक, हम शुरू से ही साफ कर रहे हैं कि परमाणु हथियारों के संभावित इस्तेमाल के बारे में रूस के बयानों का गहरा संबंध है और हम उन्हें गंभीरता से लेते हैं। रूस एक ऐसा देश है जिसके पास परमाणु हथियारों का ऐसा जखीरा है जो दुनिया भर में कोहराम मचाने के लिए काफी है। माना जाता है कि रूस के परमाणु दस्ते में 6000 बेहद घातक हथियार हैं। ये 20 से 30 करोड़ लोगों की जिंदगी को पल भर में तबाह करने की ताकत रखते हैं। रूस के इस बारूदी जखीरे में 2000 से ज्यादा टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी शामिल हैं, जिन्हें युद्ध में इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया गया है। हालांकि इस तरह के हथियारों का अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन अमेरिकी जासूसों के हवाले से आई खबर बताती है के न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन को तोप के गोलों और मिसाइलों के जरिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ये खतरा कितना बड़ा साबित हो सकता है, इसे ऐसे ही समझा जा सकता है कि जानकार मानते हैं कि महज एक छोटे से टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से पल भर में हजारों लोगों को मौत की नींद सुलाया जा सकता है। इतना ही नहीं, ऐसे हमले यूक्रेन को कई सालों के लिए बंजर बनाने के लिए काफी है। यही वजह है कि अमेरिकी जासूसों के हवाले से आई खबर ने एक बार फिर दुनिया को दहशत के साए में ला दिया है। ये डराने वाली आशंका इसलिए भी जोर पकड़ रही है क्योंकि कुछ ही दिन पहले रूस न्यूक्लियर ताकत से लैस मिसाइलों का मिलिट्री एक्सरसाइज के नाम पर परीक्षण कर चुका है। यही वजह है कि वॉर जोन में न्यूक्लियर अटैक का खतरा दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है। और सच यही है कि दुनिया के सामने इस वक्त बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है क्योंकि बार बार परमाणु हमले की चेतावनी जारी की जा रही है और बार बार ये मैसेज देने की कोशिश भी की जा रही है कि दुनिया के तमाम दे...